हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से यूज होते हैं पाइथन के अंदर। तो बेसिकली पाइथन में 7 डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जो कि हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, बूलियन एंड सेट्स। ये वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 डेटा टाइप्स जो कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट कवर करूंगा एंड सेकेंड वीडियो में मैं टपल, डिक्शनरीज, बूलियन एंड सेट कवर करूंगा। तो अपन देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं एंड इसको कैसे यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है नंबर। तो जैसे कि अपन ने स्कूल में पढ़ा था, अ नंबर इज एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा व्हिच हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू। पाइथन आइडेंटिफाइज 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट आर इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन है उसमें 3 तरह के नंबर्स यूज होते हैं, जो कि इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अपन एग्जांपल देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अगर जैसे मैं लिखूं 2, तो ये एक इंटीजर है, 3 ये एक इंटीजर है। तो बेसिकली इंटीजर वो होता है जिसमें डेसिमल वैल्यूज ना हो। जैसे 4 एक इंटीजर है, अगर लेट्स से मैं लिखूं 5.0, तो या लेट्स से मैं लिखता हूँ 5.2, तो ये एक फ्लोट है। फ्लोट बेसिकली क्या होता है, जिसमें डेसिमल वैल्यूज हो। तो अगर आप जैसे इसकी डेफिनेशन में पढ़े, एनी रियल नंबर विद अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन विच फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय अ डेसिमल सिंबल और साइंटिफिक नोटेशन। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फ्लोट के एग्जाम्पल में हमेशा एक डेसिमल रहेगा, जैसे 4.232, 21.50, -20.58। तो जब भी डेसिमल आएगा तो उसको अपन बोलेंगे फ्लोट, विदाउट डेसिमल के नंबर्स को बोलेंगे इंटीजर्स। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली उसको एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर जैसे मैं लिखता हूँ 2+3j, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 2 एक इसमें 2 उसका रियल पार्ट है एंड 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। जो जे है उसकी वैल्यू रहेगी √-1। तो अपन एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब क्या होता है और इसका यूसेज क्या है। तो अगर मैं बोलूं, लेट्स से एक मैंने वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली 5। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन कैसे होती है। तो असाइनमेंट कैसे होगा, तो जैसे अगर मैंने एक कंटेनर लिया ए, एक वेरिएबल लिया, उसकी मैंने वैल्यू डाली ए एंड इसमें नहीं सॉरी एक वेरिएबल लिया ए एंड उसकी मैंने वैल्यू डाली 5। एंड जैसे ही मैं ए को प्रिंट करूंगा, तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने प्रिंट कैसे किया था। मैंने ऐसे प्रिंट लिखा था, ऐसे प्रिंट लिख के मैंने ए लिखा था, राइट। तो बेसिकली प्रिंट करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं ऐसे कर दूं प्रिंट, या सिर्फ मैं अगर ए भी लिखूंगा तब भी प्रिंट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी ए की वो है 5। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें मैंने एक इंटीजर डाला 5 एंड जैसे ही मैं उस इंटीजर को जैसे उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो उसके आउटपुट में आ जाएगा ए, उसके आउटपुट में आ जाएगा 5, सॉरी। एंड अब मैं टाइप चेक करता हूँ कि ए का क्या टाइप है, मतलब बेसिकली ए का क्या डेटा टाइप है। तो ए का टाइप है इंटीजर, जो कि अपने को पता है कि इंटीजर क्या होता है, जिसमें कोई डेसिमल वैल्यूज ना हो। तो इसलिए पाइथन भी उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इंटीजर इसको ए जो वेरिएबल है ए उसका डेटा टाइप बता रहा है, जो कि है इंटीजर। जब भी आप टाइप लिखेंगे एंड इसको ब्रैकेट में डालेंगे, जो भी वेरिएबल को ब्रैकेट में डालेंगे उसका डेटा टाइप पाइथन आउटपुट में देगा। तो ऐसे ही आपने एक डेसिमल वैल्यू ली बी के अंदर, बी के अंदर आपने 2.4 डाली एंड जैसे ही आप बी को प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट आएगा 2.4, विच इज अ फ्लोट वैल्यू। तो अपन जैसे अगर अपन इसमें भी अगर अपन टाइप चेक करेंगे बी का, टाइप ऑफ बी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि फ्लोट वैल्यू लिख के आ रहा है आउटपुट में। ऐसे ही अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं सी इक्वल टू 2+3j एंड जैसे अपन सी को प्रिंट कराएंगे तो अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ आएगा। अगर इसमें अपने को सी की रियल वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे सी डॉट रियल एंड जो उसकी रियल वैल्यू होगी जो कि है 2.0। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने फ्लोट की इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि अ नंबर विद अ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड एज एक्स प्लस वाई जे वेयर एक्स एंड वाई आर फ्लोट एंड जे इज -1 √-1। तो इसमें बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर आप इवन दो आप अगर इसकी वैल्यू 2+3j लिखोगे एंड जब आप सी डॉट रियल लिखोगे, जो अगर आप रियल वैल्यू चेक करोगे
तो वो 2.0 आएगी एंड 2 नहीं आएंगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हो तो जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रहता है वो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू रहेगा। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है? जिसमें डेसिमल हो। तो जैसे आप सी डॉट इमेज लिखोगे, विच मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट क्या है सी का, तो जो सी का इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली जो जे का कंपोनेंट है 3, वो आउटपुट में आ जाएगा। एंड अगर अपन टाइप ऑफ सी लिखेंगे, बेसिकली सी का क्या डेटा टाइप है, तो लिखा हुआ आएगा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर ही सी के अंदर डी थी। ऐसे ही एक मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप 8 = 5 लिखते हैं, राइट, तो आपको एंटर नहीं दबाना है, आपको शिफ्ट एंटर दबाना है, तभी आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही ए को, जैसे अगर आपको प्रिंट कराना है, तो या तो मैं ए लिख के शिफ्ट एंटर दबा दूँ तो मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज मैं प्रिंट ऑफ ए लिख के शिफ्ट एंटर दबा सकता हूँ, आउटपुट सेम रहेगा। बस लिखने के दो तरीके हैं, मैं अगर ये करूँ या ये करूँ, बात तो वही है। बट हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी कोड इम्प्लीमेंट करना है तो आपको शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। तो अपन ने देखा, अब जैसे अपन को किसी किसी चीज का एडिशन करना है, तो जैसे अपन कैलकुलेटर में करते हैं 1 + 2, तो इसमें भी आपको ऐसे लिखना है, जैसे आप 1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे एंड शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सेपरेशन करना है, 5 प्रेस करिए, माइनस प्रेस करिए, 1 प्रेस करिए, शिफ्ट एंटर दबाइए, तो वैल्यू आ जाएंगी। 5 / 3 आउटपुट आएगा 1.67, एंड 5 × 3 × 2 आउटपुट आएगा 10। तो जैसे ही आपको कोई भी कोड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आपको हमेशा शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। अब अपन तो बेसिकली फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो है नंबर्स। फर्स्ट डेटा टाइप नंबर्स है, उसके सब डिविजन में 3 टाइप्स आते हैं, जो कि है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब पढ़ेंगे सेकेंड डेटा टाइप के बारे में। सेकेंड डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। तो बेसिकली अ स्ट्रिंग वैल्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर पुट इन अ सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दिस मीन्स दैट वंस इट्स डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब समझते हैं। तो बेसिकली लेट्स से आपने एक कंटेनर लिया, जिसमें आपने इस कंटेनर का नाम अपन ने रखा है ए। ए की वैल्यू अपन ने डाली एक्स वाई सेड। तो जैसे ही आप ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई जेड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। तो इसमें क्या लिखा है, जब भी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर क्या होगा, जैसे ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, तो ये सब स्ट्रिंग्स में आते हैं। या मैं अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दूँ, जैसे ए बी सी, तो ए बी सी एक एक स्ट्रिंग है। तो ऐसे ही जैसे ए एक स्ट्रिंग है, बी एक स्ट्रिंग है, वैसे ही ए बी सी भी एक स्ट्रिंग है, वैसे ही एक्स वाई जेड भी एक स्ट्रिंग है। तो अ स्ट्रिंग वैल्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन सिंगल डबल और ट्रिपल कोट। तो आप चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट रखा है, आगे के एग्जाम्पल में मैंने कहीं कहीं जगह डबल कोट और ट्रिपल कोट भी यूज किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डबल कोट कब यूज करना है, ट्रिपल कोट कब यूज करना है। तो अपन एक बार इसमें चेक करते हैं कि जैसे ए की वैल्यू एक्स वाई जेड मैंने पुट की, एंड जैसे ही मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में एक्स वाई जेड आएगा, बिकॉज अपन ने इसकी जो वैल्यू है सिंगल कोट में लिखी है। तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि आपने एक स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल दिया है उसकी मैं अगर फर्स्ट वैल्यू, अगर मुझे ये सिर्फ ये ही प्रिंट करानी है, तो मुझे कैसे लिखना होगा? ए ऑफ 0। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग बोलते हैं उसे। तो बेसिकली जैसे मैंने ए में मैंने वैल्यू डाली एक्स वाई सेड, तो अगर मैं पूछूँ कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है, तो पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो एक्स की इंडेक्सिंग हो गई 0, वाई की हो गई 1 एंड जेड की हो गई 2। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक्स चाहिए, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए एंड उसमें मैंने वैल्यू डाली एक्स वाई जेड, तो अगर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0, ऐसे मैं लिखूंगा, तो सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही, तो अगर ऐसे ही मैं लिखता हूँ ए, अगर मैं लिखता हूँ ए ऑफ 1 तो मेरा वाई आ जाएगा, एंड अगर मैं लिखता हूँ ए ऑफ 2 तो मेरा, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए ऑफ 1 तो वाई आ जाएगा, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ऑफ 2 तो जेड आ जाएगा।
अब वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि अब जैसे मैंने एक वेरिएबल, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने वैल्यू डाली है एक्स वाई जेड, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ इजी के लिए, एक्स वाई जेड। एंड इसकी इंडेक्सिंग अपन ने अभी पढ़ी कि पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो क्या है, मतलब ए ऑफ जीरो ये है एक्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के जगह मुझे ओ डालना है। तो स्ट्रिंग में ऐसा होता है कि स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग में आइटम असाइनमेंट नहीं पॉसिबल है, इसलिए जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो हमेशा एक एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन है वो खुद भी यही बोलती है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक बार आपने जो डिफाइन कर दी स्ट्रिंग, अगर आपने ए की वैल्यू एक्स वाई जेड डाल दी तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकती। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दिस मीन्स दैट वंस इट्स डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज। तो आपने जैसे एक बार डिफाइन कर दी ए की वैल्यू एक्स वाई जेड, तो उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें ट्राई करना चाहा ए की वैल्यू जीरो करने, ए ऑफ जीरो को ओ डालने की वैल्यू, तो इसमें मैं देख रहा हूँ आउटपुट मेरा एरर आ रहा है आउटपुट में, बिकॉज आप इंडेक्स, बिकॉज आप एक-एक इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं कर सकते, विच मीन्स एक्स की वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ ओ हो वैसे चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं ए ऑफ वन लिखता हूँ यहाँ पे ए ऑफ वन, तो भी सेम एरर आएगा, एंड अगर मैं ए ऑफ टू लिखूंगा तब भी सेम एरर आएगा। मतलब मैं एक्स की या वाई की या जेड की, इन तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा ए, जो पूरा ए मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो वो पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू एक्स बाय जेड, अगर मैंने ये लिखा लेट से, एंड मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो ए की वैल्यू आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड है। बट अगर मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू मैंने एक्स वाई जेड लिखी, अब मैं ए को एबीसी लिख रहा हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि अपन एक वेरिएबल लिया ए, उसकी पहले वैल्यू थी एक्स वाई जेड, अब मैंने इसकी जो वैल्यू कर दी है वो कर दी ए बी सी। तो अगर मैं ए प्रिंट कराऊंगा अब, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाली नहीं आएगी, जो मेरी अपडेटेड वैल्यू है हमेशा वेरिएबल की वो ही हमेशा आएगी। तो मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू एक्स वाई जेड थी, फिर मैंने उसके ऊपर ए की वैल्यू वापस अपडेट करके एबीसी लिखी, एंड जैसे ही मैं ए लिखता हूँ तो एबीसी वैल्यू आएगी। बट अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि कोई एक वैल्यू मैं चेंज कर सकूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता स्ट्रिंग्स के अंदर। तो जैसे मैंने लिखा ए ऑफ टू, अब जैसे मैं अगर लेट से मैंने ये लिखा ए ऑफ टू, अपने को जैसे मैंने लिखा ए ऑफ टू, अपने को पता है ए ऑफ टू है अपना सी, बिकॉज अपन को पता है पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो में ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे बी है अपना वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे सी है, तो ए ऑफ टू हो गया अपना सी। बट अगर मैं इंडेक्स, किसी एक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो, तो जैसे ही मैंने इंडेक्स की, कोई एक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी चाहिए तो वो आउटपुट एरर आ जाएगा। बट अगर मैं पूरा ए, अगर मैं पूरा ए चेंज करना चाहूँ, जैसे मेरा अगर अभी इसमें ए की वैल्यू ए बी सी है एंड मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू मैं कम्प्लीटली चेंज कर दूँ, तो ये पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस ए प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट है वो एकदम चेंज हो गया है, एंड जो मेरा अपडेटेड वैल्यू है ए की वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, नहीं सॉरी इंटीजर्स के अंदर, जैसे आपने लिखा टाइप ऑफ सी, तो जब अपने को पता है कि सी में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन है, इसलिए जो इसका टाइप आएगा वो कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही जब आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, जैसे लेट्स से अगर आपने ए इक्वल टू स्ट्रिंग में सिंगल सिंगल कॉमा में लिखा है डी, एंड आप यहाँ पे जो एक ए वेरिएबल का टाइप चेक करते हो तो आपको आंसर आएगा स्ट्रिंग, बिकॉज आपको पता है कि जो आपने वैल्यू असाइन की है वो एक स्ट्रिंग है। तो कभी कभार अगर आप भूल जाओ कि मैंने क्या वैल्यू असाइन की थी, क्या वो इंटीजर थी, क्या वो स्ट्रिंग्स थी, तो आप इस मेथड से आप चेक कर सकते हो। एक और बहुत कॉमन डाउट है कि स्ट्रिंग की सिंगल कॉमास, डबल कॉमास एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास कब यूज करते हैं। इसमें जैसे कि आपने लिखा, इसमें आपने पढ़ा होगा कि अ स्ट्रिंग वैल्यू इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन अ सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स।
बेसिकली सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स कब यूज करते हैं, ये बहुत जेनरिक डाउट है। तो अगर लेट्स से, अगर जैसे मैंने लिखा जॉर्ज इज, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू जॉर्ज इज गोइंग टू स्कूल, एंड अगर मैं ए प्रिंट कराता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं EOL while scanning string literal, इसमें आप, मैं आपको बताता हूँ एरर कैसे पढ़ते हैं। ये जैसे आप, ये आप साइन देख सकते होंगे, तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज हमेशा आप अगर जब भी आप स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल में डालोगे तो आपको हमेशा कॉमा लगाना है उसके स्टार्टिंग एंड उसके एंडिंग में। तो जैसे मैंने देखा जॉर्ज इज गोइंग टू स्कूल एज इट इज प्रिंट हो गया, बट तो अभी अपन देखेंगे कि जो वेरिएबल बी है, अगर लेट्स से, तो इसमें मैंने, हाँ, तो इसमें मैंने बी की वैल्यू लिखी है जॉर्ज कांट गो टू द स्कूल, इसमें मैंने एक अपोस्ट्रोफी लगाया। तो जब ऑलरेडी आपका एक अपोस्ट्रोफी है आउट इनपुट में, तो आप तब हमेशा डबल कॉमाज यूज करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो इसका आउटपुट आ रहा है जॉर्ज कांट गो टू द स्कूल, बट अगर मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा यूज करता, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट आपने सिंगल कॉमा से की यहाँ पे, एंड आप एंड जो कर रहे हैं स्ट्रिंग को वो आप डबल कॉमा से कर रहे हो। इसलिए आप हमेशा याद रखें जब आपके ऑलरेडी अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ये कॉमा, ये वाला जो कॉमा, अगर आपका ऑलरेडी अपोस्ट्रॉफी है तो आप हमेशा डबल डबल कॉमा यूज करेंगे। अगर लेट्स से आपका कोई कोट है, आपके सेंटेंस में ऑलरेडी कोई कोट आ रहा है बीच में, जैसे पाइथन ट्यूटोरियल्स करके, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स लेट्स लर्न डेटा साइंस, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया सी, उसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है, एंड मैं इसमें ट्रिपल कॉमास क्यों यूज कर रहा हूँ, ट्रिपल कॉमास मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरा सेंटेंस है उसमें ऑलरेडी डबल कॉमास आ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें डबल कॉमास यूज नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट एकदम प्रॉपरली एज इट इज मैच कर रहा है इसके साथ, जो अपन ने इनपुट दिया था वही अपना आउटपुट आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर अपोस्ट्रॉफी आपके सेंटेंस में नहीं है तो आप नॉर्मली सिंगल कॉमा यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी है तो आप डबल कॉमा यूज करिए, पर अगर आपके उसमें कोई कोट आ रहा है या कुछ ऐसा सेंटेंस आ रहा है जो ऑलरेडी डबल कोट में है तो आप उसमें हमेशा ट्रिपल कॉमास यूज करिए। तो अपन ने देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स होते हैं, कि एक्स वाई जेड पे अपन ने देखा कि स्ट्रिंग्स में अगर अब मुझे कुछ इंडेक्स में वैल्यू चेंज करनी हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एरर जनरेट कर देगा। हालांकि अगर मुझे पूरी जो वेरिएबल है वो एज इट इज पूरा चेंज करना हो तो वो आप देख सकते हैं वो पॉसिबल है। मैं टाइप, कोई भी वेरिएबल का टाइप कैसे देख सकता हूँ, टाइप ऑफ ए जो वेरिएबल में ऑलरेडी अपन ने स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है, इसलिए जो उसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रिंग। एंड इसमें आपने देखा कि सिंगल डबल एंड ट्रिपल कॉमास कब यूज करते हैं। जो थर्ड डेटा टाइप है वो है लिस्ट। तो बेसिकली अपन देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम टाइप पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक ये है कि जब भी लिस्ट जो भी है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगी, जैसे कि स्ट्रिंग का है कि स्ट्रिंग में हमेशा कॉमास यूज होंगे सिंगल डबल और ट्रिपल, वैसे ही लिस्ट में हमेशा ब्रैकेट से शुरू होगी। तो लेट्स से अगर आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं एंड आपकी मदर बोलती कि यार एक एक जूस ले आना, एक वेजिटेबल ले आना एंड एक फ्रूट ले आना, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, राइट, कि यार मेरा फर्स्ट जूस लाना है, फिर जूस लाना है, फिर वेजिटेबल्स लानी है एंड फिर फ्रूट्स लाने हैं। तो वैसे ही लिस्ट भी वैसा ही है कि जैसे आप इसमें, जैसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, इसमें आपने नंबर्स डाले 1, 4, 5, एंड जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे एक्स को, तो जो भी आपने लिस्ट में आइटम्स डाले हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप, जैसे अगर इसमें मैं लिखूँ टाइप ऑफ एक्स, बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है तो पाइथन अपने आप जान जाएगा कि जो उसका टाइप है वो है लिस्ट। ऐसे ही जैसे आपने इसमें देखा मैंने इसमें नंबर्स डाले हैं, अब मैं इसमें स्ट्रिंग्स डाल रहा हूँ, तो स्ट्रिंग्स का मुझे कैसे पता चलेगा मैं लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स डाल रहा हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉमाज यूज किए थे। तो मैंने तीन स्ट्रिंग्स डाली इसमें, नोकिया, ब्लैकबेरी, एप्पल, एंड जैसे ही मैं आर को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें नोकिया, ब्लैकबेरी, एप्पल एज एन आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें तो जो थर्ड एग्जाम्पल है मैंने उसमें क्या किया है, वाई इक्वल टू हाई 1, 1.2, तो मैंने एक इसके अंदर स्ट्रिंग डाली है, वाई के अंदर एक मैंने इंटीजर डाला है एंड एक लिस्ट डाली है। लिस्ट कैसे डाली, बिकॉज मेरा जो डेट इसमें जो 1.2 है वो ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज है,
इसलिए मैंने एक स्ट्रिंग डाली, एक इंटीजर डाला एंड एक लिस्ट डाली है, एंड जैसे ही मैं वाई को प्रिंट कराऊंगा तो एज इट इज जो भी मैंने इनपुट डाला था वो प्रिंट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट की जो डेफिनेशन है, एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स। इसका क्या मतलब है, वन और मोर डेटा आइटम्स के अंदर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने स्ट्रिंग भी इसमें डाल दिया, इसने आप में नंबर्स भी डाल दिया एंड देन आपने इसमें लिस्ट भी डाल दिया। वैसे ही जेड एक वेरिएबल है जिसमें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग्स डाले हैं, एंड जैसे ही मैं जेड को प्रिंट कराऊंगा तो जेड की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, अगर लेट्स से मेरा एक वेरिएबल है जेड, उसमें मैंने वैल्यू डाली ए बी सी, तो इसका अपन को पता है कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है 1 2। तो अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, जेड ऑफ 0 इक्वल टू एक्स, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी जेड ऑफ 0 की वैल्यू है, अपने को पता है जेड ऑफ 0 की वैल्यू क्या है ए, उसके जगह मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, एक्स डालना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एक्स डालूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने जेड इक्वल टू एक्स, जेड ऑफ 0 इक्वल टू एक्स डाला, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे जेड प्रिंट करा रहा हूँ तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स बी सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का ये मतलब होता है कि अगर मुझे उसमें कुछ भी आइटम असाइन करने हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं सारे चेंजेस कर सकता हूँ। हालांकि अपन ने देखा था कि अगर आपको स्ट्रिंग्स में ऐसा कुछ करना हो तो स्ट्रिंग्स में ये नहीं हो सकता, बट लिस्ट में ये सब चीजें पॉसिबल है। तो जैसे ही मैंने जेड आउट जेड को मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं एक्स बी और सी इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब जैसे अब मैंने एक वेरिएबल लिया यू, उसकी मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4 5। तो अब जैसे अगर मैं यू ऑफ 0, जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5, अपन को पता है पाइथन में इंडेक्सिंग किस हिसाब से होती है, 0 1 2 3 4, एंड इस वेरिएबल का क्या नाम है, इसका नाम है यू। अगर मैं यू को यू ऑफ 0 कॉल कर रहा हूँ, मतलब यू ऑफ 0 मतलब ये वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर मैं यू ऑफ 2 को कॉल कर रहा हूँ मतलब ये वाली वैल्यू, यू ऑफ 2 मतलब ये वाली, तो मैं आंसर क्या आएगा अपना, 3। यू ऑफ 0 को कॉल किया फिर यू ऑफ 2 को कॉल किया। अब मैं लिखता हूँ, पर अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज 1 2 3 4, ये अगर प्रिंट हो तो एक साथ प्रिंट हो, ऐसे सिंगल सिंगल प्रिंट ना हो, जैसे आपने देखा यहाँ पे सिंगल आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर लिस्ट बन के आए मेरे पास, ये पूरा जो मैंने डाला था 1 2 3 4, लेट्स से मैंने 1 2 3 4 5 डाला बट मैं 1 2 3 4 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो बेसिकली मैं लिखूंगा यू ऑफ 0 कॉलन 4। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी लिस्ट है, पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, पाइथन क्या देखता है कि जो मेरा 0th इंडेक्स पे है मुझे वो लेना है, फर्स्ट इंडेक्स पे है मुझे वो लेना है, सेकंड इंडेक्स पे मुझे वो लेना है, थर्ड इंडेक्स पे मुझे वो लेना है, जो कि जो जो भी नंबर होगा लास्ट में वो इसको एक्सक्लूड कर देगा। तो अगर आप जैसे 0:4 लिखते हैं तो हमेशा आपकी एक n-1, जैसे अगर ये n है तो हमेशा ये n-1 तक ही लेगा, अगर 4 है तो 4-1 3, तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा एंड 3 तक ही लेगा। अपन देखते हैं इंडेक्स 0 पे है 1, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू 4 है, तो अपना जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मेरा सिर्फ आंसर आए 1 और 3, एक सेकेंड, जैसे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो सिर्फ 1 और 3 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यू ऑफ, मैं अपना 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं कहाँ तक जाऊंगा, 3, एक सेकेंड, 1, हाँ, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, मैं 4 तक जाऊंगा एंड मैं लेट्स से 2। तो इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का ये मतलब है, इसको बोलते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है, बेसिकली स्टेप साइज को बोलते हैं कि ये जंप करेगा, जैसे मैंने अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जंप 1 जंप कर रहा है, मतलब जंप एज इन 0 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4th इंडेक्स पे जा रहा है। बट अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, 0 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा। तो जब मैं लिखता हूँ 0:4:2, तो इसका मतलब है पहले 0 पे जाएगा, फिर
फिर जाएगा टू पे, फिर जाएगा फोर पे। बट अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर जो मेरा स्टॉप है, जैसे ये स्टार्ट है जीरो, स्टॉप है फोर, तो एन माइनस वन मतलब अगर मेरा फोर है स्टॉप साइज, स्टॉप अगर मेरा फोर है तो हमेशा ये थ्री तक ही जाएगा। तो जो आपका वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा जीरो एंड टू, मतलब जो आपका जीरोथ इंडेक्स पे आइटम है एंड जो थर्ड इंडेक्स जो सेकंड इंडेक्स पे आइटम है वो ही प्रिंट होगा, विच इज वन एंड थ्री, जो कि अपन ने देखा एकदम सही आउटपुट है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपने यू में वैल्यू डाली 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, राइट। अब पाइथन में एक और दो काइंड ऑफ इंडेक्सिंग, जैसे एक तो 0 1 2 3 4 हो गया, अब एक और इंडेक्सिंग जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भी स्टार्ट होती है। तो अगर लेट्स से मैं लिखता हूँ यू ऑफ -1, तो यू ऑफ -1 का क्या मतलब है, मैं 5 को बुला रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यू ऑफ -1 इज टू माइनस यू ऑफ -5 इज टू -1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मेरा -5 से शुरू शुरू होगा, सॉरी माइन यू ऑफ -5 इज टू -1, तो हाँ तो मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा -5, बिकॉज स्टेप साइज मैंने लिखी नहीं है तो हमेशा स्टेप साइज +1 होगी। जैसे आपने देखा था 0 से 1 पे जाता है, 1 से 2 पे जाता है, 2 से 3 पे जाता है, वैसे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि -5 से -4 पे जाएगा, फिर -4 से -3 पे जाएगा, फिर -3 से -2 पे जाएगा। बट अपन को पता है कि -1 जो स्टॉप है अपना वो उसको एक्सक्लूड करना है, तो हमेशा अपनी जो आउटपुट वैल्यू होगी वो -2 -5 से शुरू होगी, -2 सेकेंड इंडेक्स पे आंसर आएगा, विच इज 1 2 3 4, क्योंकि माइनस सेकेंड जो इंडेक्स है उस पर 4 है, इसलिए जो आपका आउटपुट आ रहा है वो 1 2 3 4 आ रहा है। बट अगर आपको लेट्स से अगर आपको जो इनपुट है वो चाहिए -5 -3 एंड -1, तो क्या करोगे, तो बेसिकली आप जो स्टेप साइज है उसको 2 कर दोगे, तो इसका क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी ऐसे बढ़ रहा है, तो स्टेप साइज 2 करने से ऐसे बढ़ेगा, जैसे हर 2 कदम पे जाएगा। तो मैं आपको जैसे एक बार बताना चाहता हूँ, एक बार मैं हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यू ऑफ -5 -1 इज टू 2 लिखा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो मेरा -5th इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट होगी, जो -3rd इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर -3 से -1 पे जाएगा। बट बिकॉज -1 की वैल्यू अपने को एक्सक्लूड करनी है, बिकॉज मैंने आपको आपको एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट समझाया था, इसलिए -1 की वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, तो जो प्रिंट होगी वैल्यू वो -5 एंड -3 होगी, विच इज जो -5 एंड -3 वाले इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट होगी, विच इज 1 एंड 3। तो मैंने आपको तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में 3 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, जो कि है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स को बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास में आप स्टोर करते हैं, सिंगल डबल या ट्रिपल कॉमास में आप स्टोर करते हैं। फिर मैंने आपको लिस्ट बताया, लिस्ट बेसिकली लिस्ट को ब्रैकेट में आप स्टोर करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि स्ट्रिंग्स जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। बेसिकली इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी इंडेक्स में वैल्यू चेंज करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग्स में, हालांकि लिस्ट में वो कंफर्ट दिया गया है, अगर लिस्ट में मुझे किसी वैल्यूज को चेंज करना है तो मैं आराम से उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं XBOC, जो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने 13 14 16 ये सब जो है कॉन्सेप्ट यू ऑफ 0 टू 4, इसको लिस्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी इंडेक्स पे वैल्यूज निकालनी है तो आप इंडेक्स का पोजीशन लिखिए एंड उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। एंड 0 0 टू 4 इसको अपन स्लाइसिंग बोलते हैं बेसिकली। तो अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच।